किसी से कम नहीं। ये जुमला पाकिस्तानी सर्जन डॉक्टर फसीउल्लाह मीर पर सादिक आता है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में पहली मर्तबा बलून साइनोप्लास्टी ऑपरेशन का कामयाब तजर्बा एक 30 साल खातून शायस्ता पर कर दिखाया, जबकि भारी अखराजात की वजह से हमारे डॉक्टर्स इस ऑपरेशन के बारे में अभी सोच ही रहे थे। शायस्ता की सर्जरी से पहले मैंने और भी लोगों में कोशिश की थी। मैंने कहा शायस्ता कोशिश ये करते हैं कि आपके नाक में पट्टी भी न डालें, मेरी एक नई टेक्निक है, अगर वो कामयाब हो जाती है तो आज आपके पट्टी नहीं डालते बिल्कुल नाक में। तो उसने कहा गो अहेड डॉक्टर साहब। और जब मैंने किया तो इतने उस दिन खुदा की मेहरबानी थी कि हर दफ़ा हम करते थे कुछ ना कुछ हमारे डिवाइस में प्रॉब्लम्स आ जाती थी और एवरीथिंग वेंट सो स्मूथ। ये बलून साइनोप्लास्टी इज़ द बेस्ट एडिशन इन फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। इस ऑपरेशन की मदद से बंद नाक, सर में दर्द, गले में नज़ला गिरने की शिकायत दूर हो जाती हैं, जबकि इससे पहले की तमाम टेक्नोलॉजीज़ में कुछ ना कुछ नाकामियां ज़रूर सामने आती रही हैं। बलून साइनोप्लास्टी जो ये टेक्निक है, ये फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की जो इजाद है, जो एक नई इलाज है, उस पर एक नई जिद्दत है, एक नया इजाफा है उसमें। और उससे मज़ीद एक तो फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में होती है बहुत कम कटिंग थी, लेकिन कटिंग होती थी, अब उसको भी ख़त्म करके साइनस के अंदर सुराख में बैलून को डाल के हम इन्फ्लेट करते हैं और उस रुकावट को साइनसेस की जो नाक में खुलते हैं साइनसेस, उसको हम बड़ा कर देते हैं, कुशाद कर देते हैं, ताकि जो रेशा बन रहा है साइनसेस का और साइनसेस से होता हुआ नाक से गले में जा रहा है उसके बहाव को कायम रखें और उसमें कोई रुकावट ना हो। साइनस सर्जरी के बारे में जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई साइनसेस की और जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई फेलियर्स को ओवरकम करने के सिलसिले में एंडोस्कोपिक सर्जरी, कैमरे की मदद से सर्जरी, तो हमने कोई हम पीछे नहीं रहे। पाकिस्तान दुनिया का 23वां मुल्क है जहां बलून साइनोप्लास्टी का कामयाब ऑपरेशन किया गया, और ये सब मुमकिन हो पाया सिर्फ डॉक्टर फसीउल्लाह मीर की काविशों से, जिन्होंने ये महंगा तरीन ऑपरेशन कम खर्च में पाकिस्तान में कर दिखाया। पाकिस्तान में पहली मरतबा बलून साइनोप्लास्टी का कामयाब ऑपरेशन किया गया। यह ऑपरेशन इससे पहले दुनिया के 22 तरक्की याफ्ता ममालिक में किया गया था, और डॉक्टर फसीउल्लाह मीर को देखकर यह कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान में जिद्दत, तकनीक और महारत की कमी नहीं। सबा इम्तियाज़, CNBC पाकिस्तान, कराची।